ठीक है, कल ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। एक चीज थोड़ा सा फिर से आपको ध्यान देना होगा। मैंने कल एक सिग्नल के फॉर्म में कुछ सीक्वेंसेस मैंने लिखे थे, जैसे आप याद करिएगा मैंने आपको बताया था कि वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम पे मैंने बताया था कि एस आर वाई रीजन होता है, एस आर वाई रीजन पे कुछ जीन्स होते हैं, आप याद करिएगा कुछ जीन्स होते हैं, इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है बेटा, एस आर वाई प्रोटीन बनता है। एस आर वाई प्रोटीन को एक और नाम देते हैं हम लोग, क्या उसको हम लोग नाम देते हैं टी डी एफ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टी डी एफ की वजह से एक दूसरी प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है जिसका नाम क्या होता है, सॉक्स नाइन, इसका एक्सप्रेशन होता है सॉक्स नाइन, और सॉक्स नाइन एक्टिवेट करता है एक फर्दर दूसरी प्रोटीन जिसका नाम क्या है, एफ जी एफ नाइन, एक दूसरी प्रोटीन है जिसका नाम है एफ एफ जी एफ नाइन, इसका एक्सप्रेशन करवाता है, और एफ जी एफ नाइन का जब एक्सप्रेशन होगा तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा टेस्टिस का, वहां पे फॉर्मेशन क्या होगा टेस्टिस का। तो इसका मतलब एफ जी एफ नाइन, मैंने आपको बताया था कि जो अनडिफरेंशिएटेड गोनेट्स था, अनडिफरेंशिएटेड गोनेट्स जो थे, लिसन केयरफुली, अनडिफरेंशिएटेड गोनेट्स था उसमें अंदर का रीजन मेडुला था, बाहर का रीजन क्या था कार्टेक्स था। इसका मतलब है कि ये जो एफ जी एफ नाइन है ये मेडुला को इंड्यूस करेगा, तब इन मेडुला से क्या बनेगा टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा। ये याद है आपको, ये किसका केस था, ह्यूमन का केस था। अब एक चीज आपको मैं और थोड़ा सा बता रहा हूं, मैंने आपको एक चीज और बताया था, आप ध्यान करिएगा कि ये जो सॉक्स नाइन है, मैंने बताया था कि ये मीजोडर्म्स की सेल्स को, मीजोडर्म की सेल को ये क्या करता है इंड्यूस करता है, क्या करता है इंड्यूस करता है, ये मीजोडर्मल सेल को इंड्यूस करता है, अनडिफरेंशिएटेड गोनेट्स में जो मीजोडर्मल सेल है, मीजोडर्म की सेल है, उनको ये इंड्यूस करता है, उन इस सॉक्स नाइन के द्वारा मीजोडर्म को जब इंड्यूस किया जाता है तो यहां पे मीजोडर्म की सेल दो प्रकार की सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है, याद करिएगा किसमें किसमें, एक मैंने बताया था सर्टोली सेल में, याद आ रहा है, एक सर्टोली सेल में और एक लेडिग सेल्स में, लेडिग सेल्स में या आई इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग्स, इसमें डिफरेंशिएट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो लेडिग सेल्स होती हैं, ये एक हार्मोन सिक्रेट करती हैं जिसका नाम क्या होता है टेस्टोस्टेरोन। ये सेल्स एक्चुअली जो है लेडिग सेल्स, ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं बेटा जिसका नाम क्या है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है टेस्टोस्टेरोन को बताया था ना क्या करता है, एक मिनट देखो, टेस्टोस्टेरोन ये बेटा मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, तो क्या करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बियर्ड मुस्टैचेस है ना, वॉइस का चेंज होना, बोन्स का स्ट्रांग होना, इन सारे कैरेक्टर्स को ये डिसाइड करता है। और यहीं पे दूसरी जो सेल्स है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, ये तो आपको पता ही है, साथ ही साथ एक काम और करता है, ये एंटी मुलरिन हार्मोन बनाता है, क्या सीक्रेट करता है एंटी मुलेरिन सबस्टेंस ये सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है बेटा एंटी मुलेरिन सबस्टेंस, ये एंटी मुलेरिन सबस्टेंस क्या करता है, ये एंटी मुलेरिन सबस्टेंस मेल में मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को रोकता है, क्या रोकता है इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ, इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करने का निशान है, इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट मेल में मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को रोकता है, और किसको बढ़ाता है और ये किस चीज को करवाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ उल्फियन डक्ट, कौन सी डक्ट को बनवाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ उल्फियन डक्ट, ध्यान रखना कौन सी डक्ट बताया बेटा उल्फियन डक्ट। अब ये दोनों डक्ट के बारे में सुन लो, उल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट,
ये दोनों डक्ट क्या है? सुनिए, अगर कहीं पे मुलेरियन डक्ट होगा, ध्यान से सुनना, कहीं पे मुलेरियन डक्ट होगा, मुलेरियन डक्ट, तो मुलेरियन डक्ट का काम क्या होता है? पहली चीज ध्यान रखना, मुलेरियन डक्ट फीमेल में बनता है। कहां बनता है? फीमेल में मुलेरियन डक्ट बनता है। ये मुलेरियन डक्ट कहां देखने को मिलेगा आपको? तो आप बोलोगे फीमेल में, ठीक है ना। अब यही मुलेरियन डक्ट जानते हो क्या करता है? इसी से यही वो मुलेरियन डक्ट जिम्मेदार होता है ओविडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? ओविडक्ट के लिए, ठीक है ना, सर्विक्स के लिए, सर्विक्स के लिए। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये आपका क्या है? ओविडक्ट है, जिसमें आप यहां पे देखते हो कि ये स्थमस रीजन है। ये कौन सा रीजन है? स्थमस रीजन है, और ऐसे ऐसे चल के आता है। ये एम्पुला रीजन होता है, क्या होता है? एम्पुला। और ये क्या होता है? इनफंडिबुलम। क्या होता है बेटा? इनफंडिबुलम। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, और ये वाला जो रीजन होता है, ये क्या कहलाएगा? सर्विक्स। क्या कहलाएगा? नीचे वाला रीजन सर्विक्स। और ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? यूटेरस। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है, स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, यूटेरस, सर्विक्स, ये सब तभी बनेगा जब इसमें कौन सी डक्ट प्रेजेंट होगी? मुलेरियन डक्ट, है ना, मुलेरियन डक्ट। अब बताओ, अगर ये साइटोनिसेल एंटी मुलेरिन सब्सटेंस ना बनाती तो इसमें क्या बन जाता? मुलेरिन डक्ट बन जाता। मुलेरिन डक्ट बनता तो इसमें क्या आ जाता बताओ? ये स्थमस बन जाता, एम्पुला बन जाता, इनफंडिबुलम बनता, सर्विक्स बनता, यूटरस बनता। इसका मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बन जाता। लेकिन इसको नहीं बनना है, क्योंकि ये क्या है? ये मेल है, इसमें टेस्टिस है। तो टेस्टिस में क्या क्या होता है आप जानते हो? वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, है ना, सेमाइनल बेसिकल, है ना, सेमाइनल बेसिकल के बाद क्या बनते हैं आपके? फिर इसमें आपके गोनेट्स जो देख ही रहे हो आप, टेस्टिस। तो कहने का मतलब है कि ये सारे स्ट्रक्चर बनने हैं। तो अब ध्यान, आपको ये ध्यान रखना है कि उल्फियन डक्ट बनाएगा, और उल्फियन डक्ट का मतलब क्या समझ रहे हो आप? सेमिनिफेरस टिब्यूल, है ना, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद क्या हो गया? वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ठीक है ना, सेमाइनल बेसिकल्स, ये सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप मेरी बात ध्यान रखना, अगर फीमेल है तो कौन सा डक्ट बनेगा बेटा? मुलेरियन डक्ट। और अगर मेल है तो कौन सा डक्ट बनेगा? उल्फियन डक्ट। कौन डक्ट बनेगा? उल्फियन डक्ट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मेल में कौन सा डक्ट होगा? उल्फियन डक्ट। और फीमेल में कौन सा डक्ट होगा? मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट होने की वजह से ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनता है, जिसमें आप ये देख रहे हो सब तमाम नाम, सर्विक्स है, यूटरस है, स्थमस है, एम्पुला है, इनफंडिबुलम है, ये सारे स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल हो पाते हैं, है ना। और मेल में, मेल में देख रहे, याद इस तरह से रखना, यम फॉर मेल बट यम फॉर मुलेरियन डक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन मेल। यम फॉर क्या होता है? मेल। और यम फॉर क्या होता है? मुलेरियन डक्ट। तो यम मेल है, लेकिन यम मुलेरियन डक्ट मेल में नहीं है। यम मेल है तो कौन सा प्रेजेंट होगा? उल्फियन डक्ट। इस तरह से आप याद कर लेना। तो यम वाला यम में नहीं प्रेजेंट होगा, यम वाला किस में प्रेजेंट होगा? फीमेल में। तो फीमेल है तो फीमेल में मुलेरियन होगा, और मेल में क्या होगा? उल्फियन डक्ट होगा। तो उल्फियन डक्ट क्यों बना? क्योंकि सर्टोनी सेल्स क्या करती हैं? ये एंटी मुलेरियन सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, जिससे मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। किसका फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन कराते हैं? ये उल्फियन डक्ट का। और उल्फियन डक्ट बनेगा तभी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ये बात क्लियर हो गई? यस आर नो? क्लियर है? चलिए, आगे चलिए, देखा जाए। अगला एक पॉइंट यहां पे देखिए, बर्ड्स के केस में हम लोग देखते थे, बर्ड्स के केस में, बर्ड्स के केस में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है? ध्यान से देखो, बर्ड का जो केस होता है, सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स, बर्ड्स में कंडीशन हम लोगों ने क्या लिखा था? जेड डब्ल्यू जेड जेड, जेड डब्ल्यू और जेड डेड। अब ये देखना, आप ध्यान रखना, जैसे आपने ह्यूमन में देखा था कि ह्यूमन की फीमेल कैसी होती है, ह्यूमन की, ह्यूमन में बेटा जो फीमेल होती है वो एक्स एक्स होती है। फीमेल कैसी होती है? एक्स एक्स टाइप की होती है फीमेल। और मेल कैसा होता है मेरे लाल? एक्स वाई टाइप का होता है। बच्चे कैसा होता है? एक्स वाई टाइप का।
इसका मतलब है कि जब मेल गैमिट बनाएगा तो वो दो प्रकार के गैमिट बनाता है, एक एक्स टाइप का और दूसरा वाई टाइप का। इसका मतलब है ह्यूमन का जो मेल होता है वो दो अलग अलग प्रकार के गैमिट बनाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोगैमेटिक। क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, हेटेरोगैमेटिक। लेकिन फीमेल जब भी बनाएगी वो एक ही प्रकार का गैमिट्स बनाएगी, ऑलवेज एक्स टाइप का गैमिट, एक्स टाइप का ओवा बनाएगी। इस वजह से आप क्या बोलते हो बेटा कि फीमेल जो होती है वो क्या होती है, होमोगैमेटिक। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आप बर्ड्स में देखोगे, बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में ये जेड जेड टाइप का जो होता है ये क्या होता है, मेल होता है। ये क्या होता है, मेल। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो जेड जेड है, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, जेड डब्ल्यू है। तो फिर से आप यहां पे देख लीजिए कि फीमेल की अगर आप बात करोगे, अगर आप बर्ड्स में फीमेल की बात करोगे तो फीमेल में एक क्रोमोसोम है जेड और दूसरा क्रोमोसोम क्या है, डब्ल्यू। इसका मतलब है कि ये एक एग जो है, एक अंडा ये जेड टाइप का बनाएगी और एक अंडा ये क्या बनाएगी, डब्ल्यू टाइप का बनाएगी। तो अंडे सेम प्रकार के बनाएगी अलग अलग, तो इसका मतलब है कि बर्ड्स की जो फीमेल है वो कैसी होंगी, हेटेरोगैमेटिक। ह्यूमन का मेल हेटेरोगैमेटिक है लेकिन बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगैमेटिक है, क्योंकि वो दो अलग अलग प्रकार के ओवा या एग का फॉर्मेशन करती हैं। बर्ड्स किस नेचर की होती है, ओविपेरस। बर्ड कैसी होती है, ओविपेरस, अंडे देती है, और जो अंडे आएंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक जेड टाइप का एक डब्ल्यू टाइप। तो याद रखना बेटा ये फीमेल है, ये बर्ड्स में क्या है, ये बर्ड्स की फीमेल बर्ड है, फीमेल चिड़िया है, और फीमेल चिड़िया चूंकि दो प्रकार के गैमेट्स बनाती है इसलिए ये बेटा कैसे होंगे, ये हेटेरोगैमेटिक होंगे। ये कैसे होंगे, हेटेरोगैमेटिक होंगे। अब बर्ड्स का जो मेल है, मेल बर्ड्स के बारे में आप बात करो, तो बर्ड्स में जो मेल बर्ड्स है इसमें आप देख रहे हो क्या है, जेड और जेड। इसका मतलब बच्चा आप देखना यहां पे कि ये जो स्पर्म बनाएगा वो एक ही प्रकार का स्पर्म होगा, ये स्पर्म है जेड और ये स्पर्म है ये भी जेड, तो स्पर्म एक ही प्रकार का बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बर्ड्स में मेल बर्ड्स है, मेल बर्ड्स कैसी होगी बेटा, होमोगैमेटिक होगी, क्योंकि वो सिमिलर प्रकार के स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बर्ड्स की केस रही, ठीक है ना। आप देखिए इसके बाद एक कंडीशन यहां पे ह्यूमन का हो गया, ह्यूमन का डिटेल में मैंने बता दिया किस प्रकार से सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम कौन सा है मेल में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है कि सेक्स मेल होगा कि फीमेल होगा, और उसके पीछे जो पूरी मैकेनिज्म थी वो मैंने बताई आपको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहां पर, जैसे हनी बी के केस में, हनी बी मधुमक्खी आप जानते हैं ना, इसके केस में सेक्स का डिटरमिनेशन कैसे होता है, देखिए हनी बी के केस में हनी बी ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। किस फाइलम से बिलोंग करता है, बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम बेटा कौन सा, आर्थ्रोपोडा फाइलम के क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करने वाला ये एक इंसेक्ट है। एक क्या है, ये इंसेक्ट है, और ये इंसेक्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट है। ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बेनिफिट, हमको बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट है। तो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है, ये भी ध्यान रखना, बेनिफिशियल इंसेक्ट है। हमको इससे क्या प्राप्त होता है, What will obtain from the honeybee? हम लोग क्या obtain करते हैं honeybee से? Honeybee से obtain करते हैं, we will get, क्या पाते हैं इससे, या क्या पाएंगे? इससे हम लोग पाते हैं honey पाते हैं, और क्या पाते हैं? wax माने मोम, और honey माने शहद और मोम मिलता है हमको इससे, ठीक है। honeybee को कल्चर किया जाता है, पाला जाता है, honeybee के पालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एपिकल्चर। क्या बोला जाता है बेटा, एपिकल्चर। हनी बी के पालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एपिकल्चर। हनी बी को जिस जगह पे पाला जाता है उसको बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं, एपियरी। एपियरी माने वो जगह जहां पे उसको पाला जाता है, और उसके पालने की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको हम एपिकल्चर कहते हैं। एपिकल्चर का मतलब है मधुमक्खी के पालन और पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल्चर। क्यों हम लोग मधुमक्खी को पालते हैं, ताकि हमको क्या मिल पाए, शहद और वैक्स मिल पाए। शहद और वैक्स को प्राप्त करने के लिए हम मधुमक्खी को पालते हैं।
द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बी टू ऑब्टेन द हनी एंड बैग्स इज कॉल्ड एपिकल्चर एंड द प्लेस वेयर हनी बीज आर गोइंग टू बी कल्चर द प्लेस इज कॉल्ड एपियरी उस जगह को एपियरी कहते हैं ओके नाउ लेट वी आर गोइंग टू सी हाउ इन केस ऑफ हनी बी द सेक्स इज डिटरमाइंड हाउ द सेक्स आर फॉर्म्ड इसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं कैसे हनी बी के केस में सेक्स का फॉर्मेशन होता है देखिए यहां पे हनी बी के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है बेटा हनी बी कैसा इंसेक्ट है एक सोशल इंसेक्ट है हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है कैसा इंसेक्ट है सोशल इंसेक्ट है इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है क्या पाया जाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें वेल मार्क्ड डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर क्या देखने को मिलता है बेटा डिवीजन ऑफ लेबर काम का बंटवारा ठीक है ना अब आपने कभी देखा होगा मधुमक्खी को लगे हुए देखा होगा पेड़ों में मधुमक्खियां लगी रहती हैं पूरे छत्ते के रूप में रहती हैं एक छत्ता होता है जिसमें हजारों की संख्या में मधुमक्खियां लगी रहती हैं है ना तो एक छत्ते में जो मधुमक्खी होती है उनकी तीन प्रकार की जातियां होती हैं कितनी तीन तो इन आप देखो यहां पे सोशल इंसेक्ट है क्योंकि इसका एक अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है काम का बंटवारा होता है अब आप यहां पे देखो अगर मैं कास्ट के बारे में देखूं हनीबी के कास्ट के बारे में मैं देखूं तो हनीबी में तीन प्रकार की कास्ट होती है एक होती है बेटा क्वीन एक क्या होती है क्वीन दूसरा होता है वर्कर और एक थर्ड जो होता है वो होता है ड्रोन क्या होता है ड्रोन मधुमक्खी में तीन प्रकार की जातियां होती हैं हनीबी में तीन प्रकार की कास्ट होती है एक होता है क्वीन दूसरा होता है वर्कर और तीसरा क्या होता है ड्रोन होता है अब आप सुनिएगा क्वीन जो होती है ये साइज में सबसे बड़ी होती है एक अगर ये एक पेड़ है सपोज करो ये एक पेड़ है इस पेड़ पे ये पेड़ है इस पेड़ में छत्ते लगे हुए हैं ये पेड़ है ठीक है ये पेड़ है इसमें अगर छत्ता लगा हुआ है ये एक छत्ता है छत्ते को हम लोग क्या बोलते हैं हाइब क्या बोलते हैं छत्ते को हम लोग बोलते हैं हाइब या बोलते हैं काम्ब छत्ते को क्या बोल सकते हैं हाइब या क्या बोल सकते हैं काम्ब बोल सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते को हाइब या काम्ब बोलते हैं ठीक है अब इस छत्ते में आप देखोगे कुल कितनी प्रकार की जातियां हैं तीन प्रकार की इस छत्ते में केवल एक अकेली क्वीन होती है हजारों की संख्या में इसमें मक्खियां होंगी लेकिन इस हजारों में रानी की संख्या कितनी होगी एक तो क्वीन जो होती है वो लार्ज साइज की होती है कैसी होती है लार्ज साइज की होती है सबसे बड़ी यही होती है और क्या होती है ये सिंगल एक होती है सिंगल होती है अकेले होती है और ये फर्टाइल फीमेल कही जाती है क्या कही जाती है फर्टाइल फीमेल मतलब फीमेल तो है ये यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी माने जो अंडे दिया जाएगा एगलेइंग जो होगी वो यही करेगी फर्टाइल फीमेल है इट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ओके यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी यहां पे वर्कर के बारे में बात करिए वर्कर की संख्या सबसे ज्यादा होती है ठीक है और साइज इसकी कैसी होती है इंटरमीडिएट साइज की या छोटी साइज की होते हैं इंटरमीडिएट या स्मॉल साइज की होते हैं सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं और इनका काम क्या होता है इनका काम पहली चीज सुनो काम के पहले सुनो ये स्टेराइल फीमेल होती है ये कैसी फीमेल होती है बेटा ये होती है स्टेराइल फीमेल फीमेल तो है लेकिन ये क्या है स्टेराइल है फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें स्टेराइल का मतलब है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करें तो ये रिप्रोडक्शन में कैन नॉट कैपेबल टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती स्टेराइल होती है तो ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती तो इनका काम क्या होता है ऑल द इनडोर एंड आउटडोर ड्यूटीज ऑफ द कॉम इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय द वर्कर इस छत्ते में अंदर और बाहर की जितनी भी ड्यूटी है जितना भी काम है वो सब किसके द्वारा किया जाता है वर्कर के द्वारा
किसके द्वारा किया जाता है? वर्कर। वर्कर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ हैं जो सफाई करेंगे, कुछ जो हैं जो क्या करेंगे, सफाई करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, कुछ हैं जो भोजन की तलाश में जाएंगे, कुछ हैं जो भोजन को लेकर के आएंगे, समझ रहे कि नहीं, कुछ हैं जो अंदर गंदगियां फैली हुई हैं, डेड लार्वा हैं, उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। इसका मतलब है कि अंदर इनसाइड एंड आउटसाइड की जितनी भी ड्यूटी है वो सब कौन करता है? वर्कर करते हैं, क्वीन नहीं करती। क्वीन का केवल काम क्या है बेटा? पार्टिसिपेट करना। किसमें? फर्टाइल का मतलब रिप्रोडक्शन में। ये केवल आराम से रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है और जीवन भर क्या देती रहती है? अपने अंडे देती रहती है। मेल, ये ड्रोन क्या है? ये मेल है। ड्रोन क्या है? मेल है। ये किसने? ड्रोन जो होता है मेल होता है, और ये एक भी क्या होता है बेटा? ये फर्टाइल होता है, फर्टाइल होता है। इसका भी क्या काम होता है? ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही करता है। ये फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करता है, केवल ओनली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। इट डू नॉट इन्वॉल्व इन द सर्चिंग ऑफ फूड, इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द कॉम्ब, ये सब नहीं करता। ये सारे काम जितने हैं वो करेगा वर्कर, और ये रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है? ड्रोन और क्वीन करता है। एक और बात आपको बता दें, क्वीन जो होती है ये डिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब क्वीन के बारे में सुन लो, क्वीन लार्ज साइज की होती है, क्वीन सिंगल होती है, क्वीन डिप्लॉइड होती है, क्वीन क्या होती है? फर्टाइल होती है, और ये फीमेल होती है। ठीक है, वर्कर क्या होते हैं? ये साइज में इंटरमीडिएट या स्मॉल साइज के होंगे, इनको हम बोलते हैं ये स्टेराइल होते हैं, ये भी फीमेल होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये सभी प्रकार के काम जो छत्ते पे किए जाते हैं, छत्ते में, वो सब काम यही करती हैं। और दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखना, ये भी डिप्लॉइड होती है। ये भी कैसी होती है बेटा? ये भी डिप्लॉइड होती है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे भी देखने को मिलता है। लेकिन ड्रोन के केस में बात करो, ड्रोन कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ड्रोन कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो मेल कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? n होगी। तो ध्यान रखना, क्वीन जो होगी डिप्लॉइड होगी, वर्कर होंगे डिप्लॉइड होंगे, और मेल ड्रोन जो होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो यहां पर देखो क्या कंडीशन दिख रही है, मेल कैसा है? मेल हैप्लॉइड है। मेल कैसा है? हैप्लॉइड है। फीमेल कैसा है? फीमेल कैसी है बेटा? डिप्लॉइड है। तो इसीलिए इसके सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोहैप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? डिप्लोहैप्लॉइडी, है ना? डिप्लोहैप्लॉइडी। हैप्लॉइडी का मतलब समझ जाओगे कौन? मेल, और डिप्लो का मतलब कौन हो जाएगा? फीमेल, क्योंकि दोनों प्रकार की फीमेल कैसी है? डिप्लॉइड है, 2n क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड है। और मेल कैसा है? हैप्लॉइड है। ये बात समझे कि नहीं समझे? अब मैं बताने चल रहा हूं किस प्रकार से ये ड्रोन बनते हैं, किस प्रकार से क्वीन और वर्कर बनेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग यहां पे चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। हो गया, चलिए सपोज करिए बेटा यहां पे कि ये एक हनीबी की क्वीन है। ये आप सपोज करोगे क्या है? ये हनीबी की क्वीन है। क्वीन का मतलब ये क्या हो गया? ये क्वीन, क्वीन है, क्वीन है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। कैसी होगी बेटा? डिप्लॉइड होगी। और कैसी होगी? फर्टाइल होगी। डिप्लॉइड होगी, फर्टाइल होगी, और क्या है ये? फीमेल है। सिंगल तो रहेगी, आप जान रहे हो, फीमेल है। मेन बात समझो, क्वीन है, डिप्लॉइड इसका क्रोमोसोमल जो नंबर है, क्रोमोसोम नंबर किस कंडीशन में शो कर रहा है? डिप्लॉइड है, 2n। ये फर्टाइल है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, और ये फीमेल है। ओके, अब देखो आप यहां फीमेल है तो इसमें ओवरी होगी। यहां सपोज करो क्या है ये? ओवरी। यहां पे क्या है ये? ओवरी। अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं ये इसकी क्या है? ओवरी। ओवरी क्या है? फीमेल गोनेट्स है। ओवरी क्या है? फीमेल गोनेट्स है, क्योंकि क्वीन क्या है बेटा? फीमेल है ना, तो इसमें फीमेल गोनेट्स होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओवरी। ओवरी में जो प्रोसेस एक होगी उसको बोलेंगे ऊजेनेसिस। क्या होगी? ऊजेनेसिस। इस ऊजेनेसिस प्रोसेस में कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा?
मियोसिस मुख्य रूप से कौन भूमिका निभाएगा? मियोसिस। अब ध्यान रखना, जिस एक कोशिका में ऊजेनेसिस की प्रोसेस हुई होगी, पहले उसमें क्रोमोसोम क्या रहा होगा? 2n रहा होगा। मियोसिस होने के बाद जब ये एग का फॉर्मेशन कर देगी, मियोसिस हो जाएगा, तो एग का फॉर्मेशन जब होगा तो इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? n। इसका मतलब इसमें जो ओबा बनेगा, ओबा या जो एग बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? डिप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस से बन रहे। तो इसमें जो एग बनाओ कैसा है बेटा बताओ? हैप्लॉइड है। कैसा बना? हैप्लॉइड बना, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए इसके पास दो कंडीशन है, इसके पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन है ये दो प्रकार के एग लेस करती है। अंडे देने को क्या बोलते हैं? एग लेइंग। अंडे दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एग लेइंग। ये दो प्रकार के एग लेस करती है। एक ऐसा एग जो फर्टिलाइज्ड होता है और एक दूसरा एग जो फर्टिलाइज नहीं होता है। फर्टिलाइज कैसे होगा? अब सपोज करो यहां पे कि कोई मेल, यहां पे ये कोई मेल, ये कोई मेल है। मेल कौन होता है? ड्रोन। मेल कौन होता है? ड्रोन। मेल कौन होता है? ड्रोन। ड्रोन के अंदर, ड्रोन के अंदर ध्यान रखना मेल गोनेट्स होगा। ड्रोन के अंदर क्या होगा बेटा? मेल गोनेट्स होगा। मेल गोनेट्स का क्या नाम है? टेस्टिस। क्या नाम है? टेस्टिस। अब ध्यान रखना, पहले से ही आपको पता है कि मेल हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब टेस्टिस में जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होने जा रही है वहां पे जो सेल होगी वो पहले से किस कंडीशन में होगी? हैप्लॉइड। इसका मतलब यहां पे माइटोसिस होगी कि मियोसिस? माइटोसिस होगी, मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि मियोसिस हो जाएगी तो क्रोमोसोम n बाई 2 हो जाएगा, आधा नहीं करना है, है ना। तो ध्यान रखना है, तो यहां पे जो सेल डिवीजन होगा वो क्या होगा? माइटोसिस होगा। और यहां पे क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। अब स्पर्म बनेगा, जितने भी स्पर्म बनेंगे सब में क्रोमोसोम कैसे होंगे बताओ? यन यन होंगे। सब में क्रोमोसोम कैसे होंगे? यन। तो जो गैमीट बन रहा है ये कैसा है? हैप्लॉइड। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मेल इस फीमेल के साथ कॉपुलेशन करता है, मेटिंग करता है, तो ये मेल अपने सारे के सारे स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालेगा। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। सपोज करो ये उसका एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन में यहां इसका क्या है? ओवरी है, ठीक है। और एक रीजन इसमें और प्रेजेंट होता है बेटा, स्पर्मेथीका। एक रीजन इसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्मेथीका। मैं भी बता रहा हूं, स्पर्मेथीका। फीमेल में एक और आर्गन प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम होता है? स्पर्मेथीका। स्पर्मेथीका का काम क्या होता है? जब ये क्वीन जब किसी मेल या ड्रोन के साथ कॉपुलेट करेगी, मेटिंग करेगी, तो मेल अपना सारा का सारा स्पर्म कहां रिलीज कर देगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए कहां जाके भर जाएगा? स्पर्मेथीका में। तो स्पर्मेथीका में क्या भरा हुआ है? स्टोर है। क्या स्टोर है बेटा? स्टोर है स्पर्म। स्टोर क्या है इसमें? स्पर्म। ये फीमेल जब इस मेलवा के साथ क्या करी है? मेटिंग करी है। ये फीमेल इस मेल के साथ जब मेटिंग करी है तो मेलवा का सारा स्पर्म कहां चलाया? फीमेल के अंदर। और फीमेलवा में कौन सी जगह बताया मैंने? स्पर्मेथीका, जिसके अंदर जाकर के सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। अब ये जो स्टोर्ड स्पर्म है, अब ध्यान रखिए, ये कौन सा रीजन है? ये इसकी ओवरिया है। क्या है ये? ओवरी। अब इस ओवरी में कौन सी प्रोसेस मैंने बताया था हो रही थी? ओवरी में कौन सी प्रोसेस हो रही थी? तो क्या बनता था? क्या बनता था? ओवा या एग। तो यहां से क्या बनेगा? एग बनेगा। यहां से क्या बनेंगे? ये एग बन के निकल रहे हैं, ये एग बन रहे हैं। एग हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है। इसका मतलब सब में क्रोमोसोम यन है कि 2n है? यन है। अब सुनिए मेरी बात, यहां से ये जो एग लेस किया जाएगा, ये एग, एक हो सकता है कि ये स्पर्म के साथ मिले ही ना, बिना स्पर्म के मिले ही ये एग लेस हो जाए, एक कंडीशन ही हो सकती है। इसका मतलब है कि ये एग अंडा, इस मधुमक्खी ने अंडा बाहर दिया लेकिन ये अंडा किसी स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं किया। इसमें क्रोमोसोम 2n होगा 3n होगा? 2n होगा 3n? यन होगा। इसका मतलब ये अंडा कैसा होगा? यन।
क्योंकि यन ही तो था ये स्पर्म मिलता तो यन और यन मिलके क्या हो जाता, स्पर्म मिला ही नहीं तो ये अंडा किस फॉर्म में है, यन फॉर्म में। इसका मतलब है कि ये जो अंडा निकल रहा है ये फर्टिलाइज होके निकल रहा है कि बिना फर्टिलाइज हुए, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। ये कैसा एग है बेटा, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये अंडा स्पर्म से मिला ही नहीं, फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो जो अंडवा फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप कर जाएगा, और डेवलप करके क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। डेवलप करके क्या बनाएगा, मेल। तभी तो मेलवा कैसा है, हैप्लॉइड है, तभी तो मेल कैसा है, हैप्लॉइड। इसका मतलब है हनीबी के केस में मेल का फॉर्मेशन उस अंडे से होता है जो कि हैप्लॉइड है, और वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इस आप कह सकते हो कि हनीबी के केस में मेल का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। इसका मतलब मेल किस, पार्थिनो जेनेटिकली बनता है। कैसे बनता है, पार्थिनो किस प्रोसेस से बनता है बेटा, पार्थिनो जिनेसिस से बनता है। पार्थिनो जिनेसिस का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के यदि कहीं एम्ब्रियो बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। और याद रखना हनीबी के केस में जो पार्थिनोजेनेसिस होती है उसका एक अलग नाम है, स्पेशल नाम है आरिनोटॉकी। क्या बोलते हैं, आरिनोटॉकी, आरिनोटॉकी टाइप की पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलती है। कहां पे, मेल के फॉर्मेशन में, हनीबी के केस में। बात क्लियर हुई, तो किस प्रकार से हनीबी के केस में मेल हैप्लॉइड होता है, ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं हुआ बोलो, ये प्रक्रिया आपको समझ में आई। दूसरी वहीं पे, अब दूसरी बात हम लोग को क्या करनी है, फीमेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। वर्कर और क्वीन यही दो बनने हैं, वर्कर किस प्रकार से बनेंगे और क्वीन किस प्रकार से बनेंगे, इस बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। ये इतना क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, आरिनोटॉकी पार्थिनोजेनेसिस कई प्रकार की होती है, उसमें से हनीबी के केस में जो पार्थिनोजेनेसिस होती है वो आरिनोटॉकी होती है। इसको स्टार बना करके याद कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन में, आरिनोटॉकी इज टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ हनीबी, हनीबी के केस में देखने को मिलता है। अब देखिए अगला पॉइंट यहां पर आपको देखना है, किस प्रकार से फीमेल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात इतने की नहीं बेटा, सभी लोग समझ पाए, मधुमक्खी में ड्रोन या मेल कैसे बनता है, क्लियर हो गया। हैप्लॉइड कंडीशन देखिए आपको, बिना फर्टिलाइजेशन के मेल बना, ड्रोन बना, हैप्लॉइड है, सारी बात इस में। अब दूसरी कंडीशन यहां पे आपको ये देखनी है, देखो फिर से वही, आप देखो ये फीमेल थी, ये फीमेल है, इस फीमेल का ये वाला पोर्शन आपने देखा क्या है, ओवरी है, और इस वाले पोर्शन को आपने क्या नाम दिया, स्पर्म है, ठीक है, नाम दिया दिया। ओबरी से क्या निकलेगा बताइए, ओबरी से आपने निकाला क्या, अंडे, यहां से अंडे निकले हैं, हैप्लॉइड है सपना, ये निकला। और अब की बार क्या होने जा रहा है, अब की बार इस स्पर्म में थीका से, ये क्या था, ये स्पर्म में थीका था, स्पर्म में थीका क्या भरा हुआ है, स्पर्म। तो अब की बार यहां से क्या निकलेगा, स्पर्म, अब की बार ये स्पर्म निकलेंगे, तो अब की बार ये एग और इस स्पर्म से क्या हो जाएगा, फ्यूजन। तो इसके फ्यूजन से क्या होगा, यन नंबर ऑफ एग और यन नंबर ऑफ स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज कर गए तो क्या बनाएगा, 2n, और ये 2n क्या बनाएगा, जायगोट, 2n क्या बनाएगा, जायगोट। अब ये जायगोट आगे चल करके जब डेवलप करेगा तो ये बनेगा लार्वा, क्या बनेगा बेटा, लार्वा। आप ध्यान रखना हनीबी के केस में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, हनीबी के केस में जो डेवलपमेंट होता है कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने की वजह से ही इसमें क्या बनता है, लार्वा, क्या बनता है, लार्वा। अब सपोज करो ये हनीबी है, हनीबी का छत्ता है, ये हनीबी का क्या है, छत्ता, ये हनीबी। अब इसी हनीबी के छत्ते में बहुत सारे लार्वा प्रेजेंट हैं, हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ लार्वा प्रेजेंट हैं। इसी लार्वा में से ये कौन से लार्वा हैं, जो डिप्लॉइड हैं, जो कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। इसी लार्वा में से एक लार्वा क्या बनेगा, क्वीन, क्या बनेगा, क्वीन, और बाकी सब क्या बनेंगे, वर्कर बनेंगे। अब सुनिएगा कैसे,
इनके छत्ते में दो प्रकार के भोजन रखे गए रहते हैं, इनके छत्ते में, इनके हाइव में, इनके हाइव में दो प्रकार के भोजन होते हैं, टू काइंड्स के फूड होते हैं। एक का नाम होता है रॉयल जेली, एक का नाम क्या होता है रॉयल जेली, और दूसरे का नाम होता है बी ब्रेड, दूसरे का नाम क्या होता है बी ब्रेड। इनके छत्ते में दो प्रकार के फूड होते हैं, एक होता है रॉयल जेली और दूसरा क्या होता है बी ब्रेड। अब ध्यान रखना, जिस लार्वा को रॉयल जेली खिलाया जाएगा, जिस लार्वा को क्या खिलाया जाएगा रॉयल जेली, वो किसमें बदल जाएगा क्वीन में, और जिस लार्वा को क्या मिलेगा खाने के लिए बी ब्रेड खाने को मिलेगा, वो किसमें चेंज हो जाएगा वर्कर में। समझे कि नहीं? तो आप सोचोगे कि सर क्या सारे लार्वा को नहीं खिलाया जा सकता? नहीं, यही तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा का पूरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। जब सारे लार्वा रॉयल जेली खाने लगेंगे तो एक छत्ते में बहुत सारी रानियां बन जाएंगी, जबकि एक छत्ते में कितनी रानी चाहिए, एक चाहिए। तो इसका मतलब हम किसी एक ही लार्वा को क्या खिलाएंगे रॉयल जेली। रॉयल का मतलब क्या होता है शाही, राजशाही भोजन। तो जिस लार्वा को रॉयल जेली खिलाया जाएगा वो किसमें चेंज हो जाएगा क्वीन में, और जिस लार्वा को क्या खिलाया जाएगा बी ब्रेड, वो किसमें चेंज होगा वर्कर में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। ये भी किस नेचर की है बताइए, ये 2N है और ये भी क्या है 2N है, ये फर्टाइल है और ये क्या है ये स्टेराइल है, ये कैसी है ये स्टेराइल है। दोनों का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से हुआ है क्या अनफर्टिलाइजेशन से, दोनों का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से हुआ है, और जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे n नंबर ऑफ फीमेल गैमेट, n नंबर ऑफ मेल गैमेट से फ्यूज करके क्या बनाते हैं 2N जायगोट, इसलिए दोनों कैसी है 2N है, डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिल रहा है। समझ में आई बात की नहीं आई? बताओ कोई डाउट है इसमें बेटा, क्लियर हुआ? तो हैप्लॉइड हो गया ड्रोन या मेल, और डिप्लॉइड हो गया कौन वर्कर या क्वीन। एनी डाउट? क्लियर है? कोई समस्या? ठीक है ना?